म्यूजिक यहाँ पे बज रहा है टकाटक 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 टकाटक। ये क्या है? देसी घी। ये देसी घी है भाई। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़िया तबारक और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के लक्ष्मी चौक के ऊपर और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही एनर्जेटिक माहौल है यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पीछे ये बट कढ़ाई है, यहाँ पे दूसरी तरह की कढ़ाइयाँ वगैरह सारी चीज़ें मिल रही हैं। और हम यहाँ पर आज ट्राई करेंगे शीफा टकाटक। कराची में कहलाता है वो कटाकट, लेकिन यहाँ पर कहलाता है वो टकाटक। यहाँ से थोड़ा ही सा आगे है शीफा टकाटक, उसको ट्राई करेंगे। इसके अलावा फालूदा जो है वो बहुत मशहूर है और एक्सप्लोर करेंगे कि लक्ष्मी चौक पे और क्या हो रहा है। तो फिर चलें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, खैरियत से? गोलगप्पे मिल रहे हैं? ये पानी पूरी। ये गोलगप्पे भी यहाँ पे रखे हुए हैं। ये खट्टा पानी, ये मीठा पानी, ठंडा पानी, मीठा पानी। कितने की प्लेट है गोलगप्पे की? बिल्कुल ये क्लासिक फॉर्म है और इनका कहना है कि गुड़ और इमली का पानी है, खट्टा मीठा पानी, और इसको हम ट्राई करेंगे। खट्टा मीठा है। दादाजी की रेसिपी है और पानी पूरी की असली फॉर्म। भाई यूजुअली जो पानी होता है वो बहुत खट्टा होता है, लेकिन इनका जरा डिफरेंट तरह का ये फ्लेवर है। हाँ, ये खट्टा मीठा पानी है और सिर्फ चने और गोलगप्पे के साथ भी ये बड़ा मज़ेदार टेस्टी लग रहा है। बहुत आला भाईजान, ज़बरदस्त हो गया भाईजान। कैसे है, खैरियत से? क्या तैयार हो रहा है? ये दाल घोटाला तैयार हो रहा है। दाल घोटाला? प्याज है, टमाटर है, मिर्चे हैं और ये दाल ये क्या बॉइल हुई है क्या? ये बॉइल की होती है ना, उबालने के बाद इसको इस तरह पेस्ट बना के बॉइल करके ना इसको पेस्ट बना के प्याज टमाटर में काला डाल के हम बनाते हैं ना, बड़ा जबरदस्त होता है। जबरदस्त यार, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप ये खा सकते हैं भाई, आपको टकाटक का ही टेस्ट आएगा। अच्छा, अंडा भी आ जाता है इसमें? जी, अंडा भी डालते हैं। मज़ेदार सी चीज़ लग रही है वैसे। ये होता है असल मसाला, ये असल मसाला हो गया, ये असल मसाला। ये भुन गया है, भुनने के बाद ये दाल तैयार हो गई है भाई, और नेक्स्ट मसाला रेडी है। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त, बहुत ही आला, ज़बरदस्त। बट कढ़ाई भी चेक कर ले ज़रा कैसी है। हाँ भाई, यहाँ पे रखे हुए बहुत ही ज़बरदस्त कुकर, और कुकर के अंदर पहले ये गलाई जाती है कढ़ाई, और गलाने के बाद फिर ये आ जाती है यहाँ पे जो है। आप देख सकते हैं कि ये मक्खन और ज़बरदस्त तरीके से ये रोटेट किया जाता है इस पूरी कढ़ाई को, और इसको हिलाते रहते हैं, मसाला बनाते रहते हैं। मटन में भी अवेलेबल है, देसी मुर्गे में भी अवेलेबल है, और ये वाली जो बट कढ़ाई है ना, ये सबसे पुरानी है जो मुझे बताया गया था लोगों ने। बड़ी बड़ी टिकियाँ मक्खन की डली हुई है भाई, ज़बरदस्त। ये बट कढ़ाई का मेयार है सर, बट कढ़ाई का मेयार है भाई। हाँ भाई, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है यहाँ बट कढ़ाई के ऊपर, और बट कढ़ाई की वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, लिंक यहाँ ऊपर आ रहा है, आप जाके देख सकते हैं। इसीलिए हम अभी ज़रा बट कढ़ाई ट्राई नहीं करेंगे, दिल तो बहुत चाह रहा है, लेकिन हम आगे जाएंगे शीफा के ऊपर और देखेंगे कि वहाँ पर कीमा और टकाटक वगैरह जो है वो किस तरह से बन रहा है। क्या बात है,
चले जी, आ गया है शिफा कढ़ाई टिक्का। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? क्या बन रहा है ये? क्या बन रहा है? टकाटक बन रहा है। टकाटक बन रहा है जी। कौन कौन सा टकाटक है? गुर्दे, पकोड़े, दिल, मगज, चांपे, मटन कीमा। अच्छा, बहुत आला, बहुत आला। एक तवा ये लगा हुआ है, दूसरा तवा ये लगा हुआ है, तीसरा वो, चौथा वो, और बहुत ही जबरदस्त जो है ना वो म्यूजिक यहाँ पे बज रहा है। टकाटक 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 टकाटक। ये मेरा भाई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? यहाँ पे ये रखे हुए गुर्दे वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ से जाती हैं, क्या सीन है बताएं? पूरा दिल मगज चांप है, जिसको जो चाहिए वो उसका टकाटक बनवा ले, जो आपको डलवाना है आप अपनी मर्जी से डलवा लो। कितने का है टकाटक? एक प्लेट है 11-11.5। मगज भी डल जाएगा? अच्छा, फिर मगज डालेंगे तो फिर रेट चेंज हो जाएगा ना। मगज खाली 300 रुपए का है, पूरा 150 रुपए। हाँ, तो फिर वो उसी हिसाब से रेट चेंज हो जाएंगे। कितना टाइम हो गया इस दुकान को? इस दुकान का मैं तो 1984 में आया हूँ जी, हमारा आने से पहले हो गया। हाँ। तो अभी इसमें कोई 30-35 बंदे अपना बच्चों के लिए रिजक कमाते, तो मालूम ये हो सकते जी एक काम अच्छा है। अच्छा भाई, यहाँ लाहौर में जो है ना वो कढ़ाई थोड़ी सी ये फ्लैट तरह का जो तवा होता है उसके अंदर कढ़ाई बनती है मोस्टली, बट कढ़ाई भी, और यहाँ पे भी इसी तरह की कढ़ाई बन रही है। जो पेशावर स्टाइल की, कराची स्टाइल की कढ़ाई है वो ज़रा राउंड वाले कढ़ाई, जो प्रॉपर कढ़ाई होती है उसके अंदर वो बनती है। ये भी कढ़ाई बन रही है? हाँ, ये कीमा कढ़ाई बन रही है। अच्छा, कीमा कढ़ाई, ओहो, कीमे की कढ़ाई बन रही है भाई। ये कड़ाकट वाला कीमा अलग है? हाँ जी, अलग है। और ये कीमा कढ़ाई अलग है? हाँ जी, अलग है। उसको क्या बोलते हैं? उसको तवे वाला कीमा। तवे वाला कीमा, और ये कीमा कढ़ाई? ये कढ़ाई है। हाँ, उधर बन रही है कीमा कढ़ाई, ये बन रहा है तवे वाला कीमा। माहौल बन गया, माहौल बन गया। हाँ भाई, मुनव्वर इकबाल भाई ने कहा है कि जरा आप भी जो है ना वो टकाटक। आया नहीं, आया नहीं। ये 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 आया भाई, आया आया आया। ये टमाटर के छिलके जो है वो अलग निकल रहे हैं। ये कीमा बन रहा है ना? कीमा, तवे वाला कीमा बन रहा है। ये मटन कीमा, तवे वाला मटन कीमा अलग है, और मटन कढ़ाई अच्छी, ज्यादा अच्छी है। ज्यादा अच्छा कौन सा है? बट तवे वाला या वो वाला? तवे वाला। तवे वाला, तवे वाला, तवे वाला, तवे वाला भाई, तवे वाला। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीजें वीजे सीखनी शुरू करूँ, ताकि जो है ना वो सीख के घर पे थोड़ी सी ट्राई करूँ। घर पे बन तो सकती नहीं है, लेकिन कुछ ट्राई करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। भाई यहाँ पे तो माहौल बनता है, इसके बात ही अलग है, लेकिन अगर घर पे बनाना हो तो कैसा होगा, ये भी कुछ सोचा जा सकता है इस बारे में। बीट चेक करें आप। ये क्या है? घी? देसी घी। देसी घी, देसी घी, ये देसी घी है भाई। ये आप मसाला देखें भाई, ये कौन से खास मसाले हैं? ये खास मसाला, ये एंड में फ्राई व्राई करने के बाद आता है ये ऊपर खास मसाला, पूरे पाकिस्तान का दादा मसाला है। ये दादा मसाला है? दादा, दादा। ओहो, सब मसालों का बाप है ये मसाला। हाँ जी, शीफा का मसाला सब मसालों का बाप। वाह भाई वाह। कीमा बना हुआ है, ये मटन का कीमा तवे के ऊपर फ्राई हुआ है, और अब इसके ऊपर ये नान लग रहे हैं, और ये नान जो है ना ये इसी के मसाले के अंदर इनको फ्राई कर दिया जाता है, तो बहुत ही ज़बरदस्त नान के अंदर जो है ना वो इसका टेस्ट आ जाता है। देसी घी वाले, देसी घी के अंदर तर बतर नान, ये जो घी भी था सारा कीमे के साथ वो सब इसके अंदर, नान के अंदर भी इसका टेस्ट आ गया है। और खाली नान को भी खाएंगे ना आप, तो उसके अंदर इसका कीमे का जायका आ गया होगा। और ये आप शक्ल देखें कीमे की, मीठी लस्सी है, नमकीन, नमकीन, ये बराबर में लस्सी का भी सेटअप बना हुआ है भाई। ये भाई वाह भाई वाह, ये गिलास यहाँ पे रखे हुए बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त। ये आ गया हमारा कीमा, ये आ गई हमारी रोटियाँ,
दही रायता सलाद, बहुत ही ज़बरदस्त सीन हो गया भाई। ये है कटाकट, इसके अंदर मगज़ है, गुर्दे हैं, चाँप है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। बहुत ही ज़बरदस्त गरम गरम रोटी है, वो देसी घी वाले नान जो हैं वो भी होते हैं, लेकिन वो हमने नहीं मंगवाए, वो ज़रा हमारे लिए थोड़े से टू मच हो जाते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं भाई कीमे के साथ। ये आप चेक करें, कीमा बहुत ही ज़बरदस्त लजीज लग रहा है। ये आप देखें, ये मोटा मोटा कीमा होता है मटन का, सामने ही सामने ये इसको कीमा बना रहे होते हैं गोश्त का, तो बिल्कुल फ्रेश गोश्त होता है आपके हाथ सामने बन रहा होता है। ऑर्डर आते जाते हैं उसके हिसाब से ये चीज़ें बनती जाती हैं कस्टमाइज तरीके से। जो भी चीज़ें यहाँ पे वो देसी घी के अंदर बनी हुई है, ऊपर मसाला इन्होंने डाला है। और बिस्मिल्लाह करते हैं भाई, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वाह, बहुत ही मज़ेदार कीमा है यार। जो सारी गेम है ना ऊपर, जो उन्होंने 12 मसाले छिड़के हैं ना, उसकी गेम है। जायका बहुत ही अच्छा, स्पाइसी सा, चटपटा सा, मज़ेदार सा है, और खाने में जो है ना जो इनकी स्पेशलिटी है ना वो यही मटन का कीमा और टकाटक है। कराची में इसको कटाकट कहलाया जाता है, यहाँ इसको टकाटक कहते हैं, लेकिन लाहौर के अंदर मोस्टली जो चीज़ें हैं वो देसी घी के अंदर बन रही होती हैं। ये है भाई कटाकट, जो सारा ऑर्गन मीट है ना अलॉन्ग विद चाँप मटन, वो यहाँ पे है इसके अंदर। गरम गरम बड़ी सी बाइट कटाकट। ये जो ओफल है, जो ऑर्गन मीट्स होता है, उसका अपना एक जायका होता है, ख़ास तौर पे मगज़ का टेस्ट इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा महसूस हुआ है। इसके बाद गुर्दे हैं इसके अंदर, मीट। अच्छी बात ये है कि जो मटन कीमे का टेस्ट है वो इससे सिमिलर नहीं है, दोनों का टेस्ट अपनी अपनी जगह अच्छा है। और ज़्यादा अच्छा जो है ना वो मुझे इसके अंदर मटन कीमा जो है ना वो मुझे हैरत की बात है कि ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर ऑर्डर जो हैं वो कटाकट के आ रहे हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर जो है वो मैं रायता भी डालूँगा। कटाकट विद रायता, मज़ेदार है भाई, नो डाउट। इतना रश है तो किसी ना किसी वजह से तो है। दोनों चीज़ें अपनी जगह बहुत अच्छी हैं, ख़ास तौर पे कीमा मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, कटाकट तो है ही अच्छा क्योंकि इसकी वजह से ही इसका नाम है। ये जो ऑर्गन्स वाला मीट होता है ना, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, तो वंस इन अ वाइल टेस्ट के लिए, इन्जॉयमेंट के लिए बिल्कुल आप ज़रूर खाएँ, वरना आप ये मटन का कीमा खाएँ देसी घी के साथ, मसाले के साथ। ये इतना मज़ेदार कीमा है, मैंने जो है ना वो खाली कीमा है सच इस तरह से नहीं खाया कि कीमा ही इतना मज़ेदार हो, क्योंकि ये इसका स्टाइल ही अलग है तब बनाने का ना, बिल्कुल तवे के ऊपर इस तरह से यूनिक तरीके से बनाया गया है। आई एम श्योर वो जो देसी घी वाले नान थे उनके साथ इसका टेस्ट और मज़ेदार होगा। अभी ज़रा हम ये खाना फिनिश करते हैं, उसके बाद फिर ज़रा हमें फालूदा मस्त ट्राई करना है। ये फिनिश करें और फिर फालूदा खाने चलेंगे। कीफे का मज़ेदार सा कीमा खा के हम आ गए हैं पुरानी अनारकली में, और यहाँ पे ये जो यूसुफ़ फालूदा है भाई, यूसुफ़ फालूदा है ना, ये अभी पता चला है कि ये काफ़ी पुराना है, ये काफ़ी फेमस है, रश भी इसके ऊपर नज़र आ रहा है, बल्कि पूरी गली जो है ना वो रियाज़ फालूदा, लासानी फालूदा, बगदादी फालूदा, पूरी फालूदे की गली है समझें आप ये। और हम भी ज़रा चेक करते हैं फालूदे को। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? ठीक ठाक। ये माशाल्लाह यूसुफ़ फालूदा ज़बरदस्त रश लगा हुआ है, बहुत कितना पुराना है ये? ये कुछ है 60 साल।
फालूदा ही है या और भी चीजें? फालूदा है, रसमलाई है, खीर है, कुल्फी है, फालूदा है। तो ऐसा क्या माशाल्लाह आपके फालूदे में है जो इतना अल्लाह ने तरक्की? अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की रहमत है, बड़े भाई ने शुरू किया। अच्छा माशाल्लाह, जबरदस्त। चले हम भी चेक करते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत सारी मजे मजे की मीठी मीठी चीजें हैं यहाँ पे। ये रबड़ी दूध, रबड़ी दूध, ये रबड़ी दूध, क्या बात है, क्या बात है। दादा क्या चीज चलती है? कुल्फी फालूदा। ये आ गया भाई, ये आ गया, ये कुल्फी फालूदा, ये चीज, ये 140 का है। ओए होए होए होए, ये आ गया भाई, बादाम आ जाए इसके ऊपर, ये चीज, ओए होए होए, मजा ही आ गया है। शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया, थैंक यू। ये आ गया हमारा फालूदा भाई, ये चेक करें आप, बहुत ही आला। इसके ऊपर कुल्फी है, बादाम है, खोया है, और नीचे ये नूडल्स हैं। मिक्स करें इसको अच्छे तरीके से आप। तुक मलंगा सिवैये, ओए हाय हाय, 500 600 का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूसुफ फालूदा, बहुत ही मज़ेदार यार। 5 प्याले ऐसे ही खा जाए बंदा। 5 प्याले आप तुम तो खाते रहते हो, साथ साथ हैं, रोजाना खाते हैं, रोजाना खाते हैं, जितने खाने खा तुम लोगों के लिए ये है। हमारे लिए किसके लिए? अरे हाय हाय हाय, ये देखें आप, कुल्फी जो है ना पूरी इसके अंदर मेल्ट होती जा रही है। और इसी मज़ेदार से फालूदे के साथ हमारी आज की इस वीडियो का अख्तितम हुआ भाई। बहुत ही मज़ा आ रहा है, दिल चाह रहा है खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। और उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज़ उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ पे आए तो ये पुरानी नारकली में यूसुफ फालूदा भी खाएं, बहुत ही मज़ेदार है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।